बहुत सालों से दो सेनाओं के बीच एक युद्ध चल रहा है जिसमें हर दिन दोनों तरफ से अरबों सैनिक मारे जाते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यह युद्ध अभी तक खत्म नहीं हुआ है और शायद कभी खत्म भी ना हो। चाहे मनुष्य हो या फिर कोई जानवर, ये कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई हम सभी के शरीर के अंदर हमारे पैदा होने से पहले से चली आ रही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं बीमारी पैदा करने वाले पैथोजेंस और आपके इम्यून सिस्टम के बीच हो रही लड़ाई की। इस लड़ाई में पैथोजेंस की तरफ से एंटीजन और इम्यून सिस्टम की तरफ से एंटीबॉडी दो जाने माने योद्धा हैं। आपने इन योद्धाओं के बारे में विज्ञान की किताबों और टीवी पर दिखाई जाने वाली डॉक्यूमेंट्री से सुना होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि एंटीजन और एंटीबॉडी आखिर क्या होते हैं? आज कैजुअली एक्सप्लेन सीरीज में हम इन्हीं दोनों योद्धाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ और वो सारी बातें जानिए जो किसी भी जिंदा व्यक्ति को एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में पता होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले एंटीजन के बारे में जानते हैं। एंटीजन शुगर, लिपिड और अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं। जनरली ये कोई ऐसा बाहरी तत्व होता है जो आपके शरीर में घुसता है ताकि आपको नुकसान पहुंचा सके। इस तरह के एंटीजन को बाहरी या फॉरेन एंटीजन के नाम से जाना जाता है। ऐसे एंटीजन के कुछ उदाहरणों में रोगों को पैदा करने वाले विषाणु और जीवाणु आते हैं। लेकिन एंटीजन हमेशा बाहरी तत्व नहीं होते। कई बार एंटीजन हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम की कमियों के कारण पैदा होते हैं। इस तरह के एंटीजन को स्व उत्पादित या ऑटो एंटीजन के नाम से जाना जाता है। एंटीजन शब्द का सबसे पहले प्रयोग लास्लो ने किया था। शरीर में एंटीबॉडी बनने के पहले एंटीजन दिखाई देते हैं, इसलिए लास्लो को लगा कि एंटीजन एंटीबॉडी बनने का शुरुआती चरण होता है। लेकिन उनको उतने समय ये बात पता नहीं थी कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं और जहां एंटीजन होगा शरीर में उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी पहुंच ही जाएगा। चलिए अब एंटीजन के दुश्मन एंटीबॉडी के बारे में जान लेते हैं। एंटीबॉडीज, जिन्हें हम इम्यूनोग्लोबुलिन नाम से भी जानते हैं, एक वाई आकार की प्रोटीन होती है जिनका निर्माण प्लाज्मा सेल द्वारा एंटीजन से लड़ने के लिए किया जाता है। एंटीबॉडी शब्द का सबसे पहले उपयोग पॉल हर्लिक ने अपनी साइड चेन थ्योरी में 19वीं शताब्दी के अंत में किया था। एंटीबॉडीज 5 तरह के होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन जी या IgG एक बहुत ही सामान्य एंटीबॉडी है जो हमारे खून और दूसरे शारीरिक पदार्थों में पाई जाती है। इम्यूनोग्लोबुलिन ए या IgA आंसू, लार और म्यूकस में पाया जाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन एम या IgM एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंटीबॉडी है और ये खून में पाई जाती है। इम्यूनोग्लोबुलिन डी या IgD भी खून में बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। इम्यूनोग्लोबुलिन ई या IgE बहुत ही कम मात्रा में सीरम में पाया जाता है और ये शरीर में एलर्जी की प्रक्रिया को शुरू करता है। इस तरह सभी एंटीबॉडी अलग अलग तरह के कामों को करने के लिए बनती हैं और किसी एक खास एंटीजन पर ही अटैक करती हैं। तो ये एंटीबॉडी किस तरह से एंटीजन से लड़कर आपके शरीर की रक्षा करती है, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में जानेंगे। तब तक आप इस तरह के विज्ञान से भरपूर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।